इस पॉइंट से अपना ट्रैक जो है वो शुरू होएगा और ब्रश ना करना पड़ेगा, ब्रश नहीं किया इसलिए ले रहा हूँ। चलो और सबके निकल गए हैं धुएं। टेम्परेचर कितना होगा अभी? -5 -2 -2। हेलो ओएजी फैमिली, स्वागत है आपका ओएजी व्लॉग्स के एक और नए व्लॉग में। फाइनली जाके वो दिन आ चुका है जब हमारे ट्रैक की होने जा रही है शुरुआत। इतने टाइम से शॉपिंग चल रही है, तैयारी चल रही है और अब जाके आ चुका है वो दिन। सारे के सारे उठने लग गए हुए। एक हमारे यहाँ पे है छोटे मोहली लड़की जो उठ नहीं रही है। उठ जा। और भाई साहब बाहर ये जो देख रहे हो आप, ये ठंड है, ये ठंड के नजारे हैं। और जहाँ पे हम ट्रैक करने जा रहे हैं, कल बता रहे थे कि वहाँ पे टेम्परेचर यहाँ से भी डबल कम होगा। हाँ तो यहाँ से भी डबल ठंड होगी। देखो तो यहाँ पे इतनी ठंड लग रही है कंपैरेटिवली चंडीगढ़ से, वहाँ पता नहीं मेरा क्या हाल होगा। पर एक चीज है, इनकी जो रजाइयां वगैरह थी, ये सारा लकड़ का जो कमरा बना हुआ है, इसमें निग बहुत ज्यादा हो जाता है। अभी तो तुमने बाहर जाना है, फ्रेशन अप होना है और उस फ्रेशन अप के चक्कर में हाथ जो है ना, सच में ऐसे होगा कि जम चुके हैं, मूवमेंट तक नहीं हो पाएगी। बाहर तो बहुत ठंड है, अंदर ठीक। तो भाई साहब मैं तो पूरी की पूरी पैक होके तैयार हो चुकी हूँ और इधर हम कार धावा जी कर रहे हैं प्रैक्टिस अपने ड्रोन उड़ाने की। कैसे चल रही प्रैक्टिस? एक तो ठंड बहुत ज्यादा है ना। तो भाई साहब फाइनली जाके ड्रोन हमारा नन्ना सा ड्रोन उड़ चुका है। ओ ये हम दिखाई नहीं दे रहे, बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे, मर्ज हो गया पहाड़ों में। तो जी अब बारी आ गया सबसे ज्यादा जरूरी चीज की, वो है जी एनर्जी लेनी। और एनर्जी आएगी ब्रेकफास्ट के साथ, तो वो लग चुका है। आज ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे। ओए 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 क्या हो रहा, चाय भी हमको चाय डाल दे मेरे लिए। ये रही भाई साहब चाय विद द व्यू हो रहा है आज गजब। अरे एक चीज बता, खाना ज्यादा अच्छा है या व्यू ज्यादा अच्छा है? अगर ह्यूमन नीड के हिसाब से देखें तो खाना ज्यादा अच्छा है बिल्कुल, बट ये चेरी ऑन द केक है। खाना वगैरह हमने खा लिया हुआ है और अब यहाँ पे हमें दे दिया गया थोड़ा सा सामान रास्ते के लिए, जो है बिस्किट ब्रेड जो है और जूस। इसे बैग में जल्दी डालते हैं और निकलते हैं, बुलावा आ रहा है। चलो एंड आपको ना मैं गाइस ठंड का लेवल दिखाती हूँ। ये ना पानी आ रहा है बिल्कुल व्हाइट व्हाइट, पहले मुझे लगा कि पानी गंदा है, देन आई रियलाइज कि ये पानी गंदा नहीं है, ये ठंड इतनी ज्यादा है कि पानी जो है उसकी बर्फ बन चुकी है। बैग जो है ना वो हद से ज्यादा भारी हो चुके हुए, तो अनवांटेड चीजें मैडम बाहर निकाल रही है। सिर्फ मैडम ही बाहर नहीं निकाल रही है, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आदित्य गौतम जी भी लगे हुए निकालने सामान। आंचल शर्मा रख रही, वापस रख लिया। आंचल को मेरे को लगा अगर ज्यादा ठंड लगी तो ये वाली जैकेट रख ले, दूसरी निकाल दे। अच्छा ये वाली वो दूसरी वाली है ना माइनस वाली। चलो चलो लेट हो गए, सारे लाइन में लग गए बाहर। भाई ट्रैवलिंग एक चीज का जो ध्यान रखना पड़ता है कि जितना ज्यादा लाइट आप कैरी कर सकते हो उतना ज्यादा लाइट कैरी करो। और ये चीजें जो है हमने रेंट पे ले ली हुई है, ये स्टिक और हेड वाली टॉर्च। और मैं कहीं ना कहीं कहना चाहूंगा कि रेंट वाला तामझाम बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता है, क्योंकि जो लाइट हमने रेंट ली है वो 200 रुपए की है और वही सेम लाइट डीकैथलॉन में 300 रुपए की मिल रही थी, सेम विद द स्टिक। मतलब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, खरीद लेते तो आई थिंक थोड़ा बेटर रहता है। इस ट्रैक पे सिर्फ टाइम फॉलो करना, अगर टाइम फॉलो नहीं करोगे आप लोग तो ये ट्रैक अच्छा नहीं जाता है, ठीक है। रात को जैकेट खोल के नहीं सोना है, जो आपके माइनस वाली जैकेट है जितनी भी लेयरिंग है आप कर सकते हो रात को, वो करनी है क्योंकि ठंड डबल चलेगी। एंड फाइनली जाके हो चुकी है ट्रैक की शुरुआत, अब हमने ये देखना है कि बर्फ कहाँ पे जाके दिखती है। तो मुझे यार पहले मुझे पता क्या लगता होता था, जहाँ पे भी टेम्परेचर माइनस में जाता था वहाँ पे तो बर्फ होती होती होगी। रात को यहाँ पे भी माइनस में था, बर्फ तो दाबो दिशा दी है और बारिश भी पड़ जाती है, तो बर्फ ही हो। मौसम बहुत ज्यादा बढ़िया हो गया क्योंकि धूप निकल गई है। अब चलते हैं वॉक वॉक करेंगे और मुझे लगता है जूदा का तालाब जा रहे हैं ना, जूदा का तालाब वहाँ जाके शायद मिलेगी। ओह बर्फ, आधी बर्फ मिल गई, खेल लो इसमें, खेल ले। इस पॉइंट से अपना ट्रैक जो है वो शुरू होएगा। ओए क्या शॉपिंग कर रहे हो? कि ब्रश ना करना पड़े, ब्रश ना करना पड़े, ब्रश नहीं किया इसलिए ले रहा हूँ। चलो चलो ये मैं तो करके आई हूँ ब्रश। झूठी, ये सच्ची में थी ठंडी में। तो ऐसा लग रहा स्कूल जा रही है जैसे गुत्ते करी है। ये पता है क्यों इसने दो गुत्ते किए है? ये मूवी नहीं आई थी ये जवानी है दीवानी, फाइनली ट्रैक हो गया है शुरू और सांसें चढ़नी हो गई है शुरू। आ जाओ भाई, माउंटेन क्लाइंबिंग हो रही है। हाँ चलो। हाँ मुक्ति, कम से कम ब्लॉग ना क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्की है। ऑलरेडी गाइड बोल चुके हैं कि फोन का इस्तेमाल कम से कम करना है। यस चलो भाई। तो भाई साहब अभी आया हमारा स्टॉप पॉइंट आंचल, तो कुछ ज्यादा ही गर्मी लग रही है, कुछ थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं और जैकेट जिसने उतारनी है उतार लो क्योंकि पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है कईयों को, तो जैकेट उतार सकते हो। गर्मी नहीं लग रही आपको? गर्मी ही थोड़ी बहुत लग रही है, मुझे इतनी नहीं लगती। कमर पर टांग ऑब्स्ट्रक्ट होगा।
अभी ट्रैक शुरू हुआ है, 10 मिनट की चढ़ाई हुई है। कोई नहीं आंचल, मैं डाल दूंगा तेरे बैग में। ये आ रहा है ओंकार, ये आ रही आंचल, और वो देखो बीच में पहाड़ दिख रहा होगा बर्फ वाला, वो पहाड़ का नाम है हर की धुन। ये वाला ट्रैक तो नहीं करना? अच्छा वो भी है, हर की धुन का भी अलग ट्रैक है एक। फ्रेंड्स ये आ गया अपना चाय पॉइंट, और यहाँ पे सिर्फ चाय नहीं है, मैगी ऑमलेट और कुछ खाना पीना है तो अभी खा सकते हो। तो 10 मिनट यहाँ रुकेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। आंचल ओंकार आदि ड्रोन तो चला रहे हो, डॉगी की नजर है ड्रोन पे ही है। वो आगे 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 मुझे लगा पता लगे उसको, लगे कोई मच्छर है पकड़ लू उसको। भाई साहब एकदम खड़ी चढ़ाई आ गई है और सबके निकल गए हैं धुएं, बट धीरे धीरे चलेंगे तो बेटर है। अगर ज्यादा देर बैठते हैं ना तो भी शरीर ठंडा हो जाता है, फिर से टांगे गर्म करने में फिर टाइम लगता है। तो होली होली धीरे धीरे स्लो स्लो चलते रहो। तो अभी ट्रैक करते करते हम दूसरे पॉइंट पे रुके हैं, और इधर ओंकार रंधावा जी ने बना ली अपने दोस्त। भाई साहब जो पहाड़ी कुत्ते होते हैं मुझे लगता है सबसे ज्यादा फ्रेंडली यही होते हैं। हेलो, हाँ बड़ी हेलो ही नवाब नहीं होता। अभी मैंने जैसे इसको प्यार कर लिया ना, हो सकता है पूरा ट्रैक हमारे साथ चले। इसको अपना बैग पकड़ा देने, नहीं तो खच्चर नहीं है कुत्ता है ना, बहुत प्यारा है। तो गाइस थर्ड चाय पॉइंट मतलब थर्ड टी पॉइंट आने वाला है, और सबके निकल चुके हैं धुएं, और यहाँ से ना गाइड भैया ने बताया कि एक ट्रैक और है। भैया कहाँ का? ब्लैक पीक 6800 मीटर, पूरा 25 से 30 दिनों का होता है। कितने पैसे हैं उसके लिए? समथिंग 90,000 अप्रोक या 1 लाख पर पर्सन। 1 लाख रुपए भाई साहब ट्रैक के, चलना भी फिर खुद ही है ये, मैं सोचना भी कंधे बिठा के चलाएगा 1 लाख रुपए देने के बाद। वो वाला ट्रैक शेर पास के थ्रू होता है, जो माउंट एवरेस्ट चढ़ते हैं वो जो कराते हैं, तो वो ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं। और ये अपनी पलटन है 10 लोगों की, सारे हेलो कर दो भाई। हेलो, कोई दिल्ली से है, कोई राजस्थान से है, कहाँ कहाँ से हो सारे? कोटा से, जयपुर से, ये मैम है हमारे साथ चंडीगढ़ से, ये भाई साहब है हिसार से, और बाकी जो दो हमारे बंदे हैं एक कांकरोली से और एक चंडीगढ़ से, वो बहुत पीछे हैं, वो भी आ रहे हैं। वो कछुए के चार डज़न हैं। कहाँ रह गए? आंचल कैसी है? आ जा आ जा जल्दी आ जा, चाय मिलेगी ऊपर। ओम धातु की पिएगी, ठीक है। और गाइस जब ये म्यूल जाते हैं तो आपको रास्ता देना पड़ता है इनको, क्योंकि इनका जाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सामान सारा यही लेके जा रहे हैं, सारे टेंट स्लीपिंग बैग बटन खाने का सामान। ये नहीं पहुंचेंगे तो ऊपर जाके हम भूखे रह जाएंगे। फिर भाई साहब ये चेकआउट करो, ये वाला चाय पॉइंट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। और यहाँ पे हमने लंच भी करना है, जो कि मैं टेंट में भूल गया अपने, तो यहाँ पे कुछ ऑमलेट वगैरह मिलेगा तो वो खाऊंगा। अरे अभी हमारा आधा रास्ता भी नहीं हुआ शायद, मुक्ति फैल चुकी हुई है। अभी 2 लोग और आ रहे हैं, वो भी फैलने वाले हैं, आके रेस्ट करेंगे यहाँ थोड़ी देर। तो ये आ गया हमारा ऑमलेट, खाएगी? वेरी गुड, मैं दे भी नहीं रहा था तेरे को, मुझे पता तू देगा भी नहीं। कुछ खाओगे? नहीं। गाइड भैया, ये आपका नाम क्या है? सुखदेव रावत। ए भाई साहब बड़े चिल बंदे हैं, जहाँ हमें रेस्ट करना होता है बोलते कोई नहीं, थोड़ा और। मैंने गर्म पानी ले लिया हुआ है, टी बैग लाए हुए, हम दबा गए, मतलब कोई गला वाला खराब होने की आशंका ही नहीं है। ओ भाई गधे मार जाएंगे, साइड हो जा साइड हो जा। कल न्यूज में आएगा आदित्य को गधे ने मारा। अच्छी बात बताई यहाँ की क्या है? हाँ? गर्म पानी हर टाइम धरा हुआ है इन्होंने। वैसे ठंडी ठंडे मौसम में गरम गरम चीज पीने का मजा ही अलग है ना। गले में ना जो ऐसे खराश सी फील हो रही थी एकदम ऐसे सेट हो, मुझे भी दे दे प्लीज। खट्टा टेस्ट आ रहा है, मजा आ रहा है। फाइनली जाके हम आज की अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, जो कि है ये जगह जहाँ पे आज रात हम स्टे करने वाले हैं, और वो आ रहे हैं हमारे 2-3 बंदे। हाय आदि, ये आवाज कहाँ से हो रही है आंचल? हाय ओंकार, वो देखो डंडा हिल रहा है, अगर दिखाई दे रहा है। आदि मुझे लगता है आंचल और ओंकार ना आराम से आएंगे, वो वहीं रुक गए हुए हैं। ओंकार आ जाओ। अरे हम बहुत जल्दी आए हैं, 2 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे कैंप में, करेंगे क्या पूरा दिन? पहुँच गए वही, अभी और है ऊपर थोड़ा। नहीं नहीं यही है, यही है ना अपना कैंप जहाँ पे हम रुक रहे हैं अभी, ऊपर है 100 मीटर। अच्छा वो टॉयलेट टेंट है, ये अपना डाइनिंग एरिया हो गया, और ये हमारे टेंट है जिसमें हम सोएंगे।
तो गाइस पहुंचने के बाद जो पहली चीज हमने करी है वो है ये ओंकार और मुक्ति। तो अपने अलग अलग मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। अच्छा मेडिटेशन कर तो कर लो भाई। वो देखो मुक्ति कौन सी मेडिटेशन कर रही है? मछली बन गई है जैसे मछली सुखाने के लिए डाली है। कौन सी मेडिटेशन? पुट्ठी मेडिटेशन। पुट्ठी मेडिटेशन। और पीछे व्यू है भाई साहब गजब। इतनी चढ़ाई पे आके सूरज की किरण जिस तरीके से हमारे मुंह को चूम रही है मामा मिया। हम ना अपने टेंट पे वक्त से बहुत ज्यादा जल्दी पहुंच गए थे और यहाँ पे करने के लिए कुछ है नहीं है। खाना मिलेगा हमें 2 घंटे बाद। तो हमने सोचा भैया को बोलते हैं कि जुड़ा का तालाब ही ले जाओ हमें, यहाँ से बहुत ही ज्यादा पास में है। भैया ने बोला था कल सुबह रास्ते में आएगा ही, तो तब 1 घंटा आधा घंटा रुक जाना। बहुत बेचैन है हमें जाने के लिए। ठंड हो गई है। ठंड है वो जमा हुआ है भाई। वो लेक जो है ना जुड़ा का तालाब फ्रोजन लेक यार वो ले आते हैं जो वो लेक वो करते हैं यार। क्या करते हैं? स्कीइंग यार। क्या पता वो स्कीइंग के चक्कर में बर्फ ही ना टूट जाए। मेरे को तो आती है, हम करके आते दिल्ली में ना, उसके लिए बर्फ भी ठीक होनी चाहिए। चलो मिट्टी 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 फिर सिर्फ 100 मीटर का रास्ता कहते हैं ये था, पर उसमें सांस फूल गया बिना बैग के। और ये लेक जो है वो आ चुका है। ओए होए ये तो पूरी जम रखी है ना। हाँ फ्रोजन लेक। ओए होए आदि गया नीचे। ओ जा सकते हैं नीचे? हाँ जा रहे तभी तो। वाओ बाय। तो भाई साहब थोड़ा सा बर्फ में चलने का ट्राई करते हैं। भैया आ जाएं। ओ भाई साहब गजब। ओए 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 ये पूरा खेल रहा है आज भाई साहब। ये बर्फ में चलने का आनंद ही कुछ आ रहा है। आ जाओ तीनों, तुम भी आ जाओ बर्फ में चलो, बड़ा मजा आ रहा है। भैया एक बार बताओ कि इसे जुड़ा का तालाब क्यों कहते हैं? जुड़ा का तालाब जो शिवजी भगवान थे ना, उनका जुड़ा बनाया था ना पीछे, उससे जब उनके जुड़े से जब बूंद निकली ना पानी की तो इस तालाब का निर्माण हुआ, इसलिए जुड़ा का तालाब पड़ा। अच्छा मैं काफी देर से सोच रहा था ये जुड़े वाला जुड़ा ही है। यस भाई साहब फिर से वही दिक्कत। अब ये ड्रोन को देखे डॉगी ओए ओए ओंकार वो छलांगा मार दे। उसको नो नहीं पता हूँ कार। हाथ में ले लो, हाथ में लैंड कर। हाँ डॉगी को थोड़ा बिजी करो। चला गया चला गया चला गया। नीचे रख ले नीचे रख ले नीचे रख ले। आंचल देख डॉगी बर्फ में चल रहा है। What's up, nigga? We gon' be alright. Yeah. Look at me soaring now. Giving my soul, I pour it out. भैया टेम्परेचर कितना होगा अभी? -5 थी। मैं सोची थी ठंड क्यों लग रही है। जब तक तो सूरज देवता थे तब तक हम ठीक थे। सूरज देवता भी सूरज देवता थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं पेड़ों के पीछे जाके और हमारी उन्होंने बहुत ज्यादा तकलीफ बढ़ा दी हुई बहुत ज्यादा। मतलब 2 सेकंड भी हाथ बाहर निकलता तो बिल्कुल जम जाता है। पर एक चीज अच्छी लगी जैसे हमने बिना टोपियों के, उन्होंने पहले जैसे बोला था बिना टोपियों के रहोगे तो बेटर है, आदत पड़ जाएगी। आदत पड़ जाएगी तो मत ठंड होगी तो नहीं टोपी फिर काम करेगी। ये हमने डाले आंचल शर्मा इधर खा रही अपनी गर्मा गर्म मैगी और आदित्य ठंडी हो गई। अभी तो तूने गर्मा गर्म यहाँ पे पकली है ठंडी हो गई, खा लिया ऑमलेट। हाँ, और मेरा ऑमलेट उधर गर्मा गर्म तैयार हो रहा है। देखता कोजी है ना, मन कर यहाँ पे बैठ जाए, परंतु हम इधर गर्मी में बैठेंगे नहीं क्योंकि अगर यहाँ पे एक बार बैठ गए तो सच्ची बता दी चलन जाएगा, इतनी ज्यादा ठंड है। तो जी मुक्ति ने अपनी कंपनी जो है वो ढूंढ ली है, जिसको भी तंग करती जाएगी पूरे रास्ते में। ले चले पहले ही टैडी और नवाब की बनती नहीं, अब एक और आ जाएगा। अभी ना मुझे वॉशरूम जाना था और यहाँ पे मुझे नई चीज पता चली है, यहाँ पे जो वॉशरूम है ना वो खुद ही बनाना पड़ेगा। वो खुद बनाना पड़ेगा, बेसिकली खड्डा करना है फिर सुसु पॉटी करनी है फिर उसको कवर कर देना। ये मैं पहली बार चीज एक्सपीरियंस करने वाली हूँ। चलो करो फिर। तो ये रहा अपना वॉशरूम नंबर 1। यार इसमें तो आज इसमें खड्डा ऑलरेडी हो रखा है। हाँ ओंकार यार इसमें खड्डा ऑलरेडी हो रखा है तो इसको ढकना नहीं बाद में कुछ। अच्छा चल ठीक है, अच्छी बात है। तो भाई साहब अभी जा रहे लगे हैं टेंट के अंदर। ये ईटिंग टेंट है, इसमें जूते अलाउड नहीं है, सारा खाना अंदर ही सर्व होता है। अंदर अभी हमारा हो गया चाय और पकौड़े का टाइम, और जूते उतार के जाने भाई साहब। जल्दी जल्दी चाय ठंडी हो जाएगी। ये रहा अपना गर्मा गर्म सूप। भैया हमें फ्री नहीं बैठने दे रहे, कह रहे पहले आप चाय आए या सूप आएगा फिर डिनर बाद में लगेगा। मजा आ गया भाई, एक तो पकड़ने में इतना मजा आता है गर्मा गर्म, पकड़ने में बड़ा मजा आता है फिर एकदम से इतना गर्म लगता है कि वो हाथ ही जल जाता है। ये तो लो जरा देखो, ये लो जी
खुशबू गजब भैया। और यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है, ये हर टाइम गर्म होता रहता है, तो यहाँ के हम हाथ भी सेक सकते हैं। देसी बॉनफायर। हाँ देसी बॉनफायर, सही बात है। इट इज टाइम फॉर डिनर। ठंड बहुत ज्यादा हो गई है अभी, हम ना जिसके लिए हमने 3 घंटे वेट किया, जिसकी वजह से हम टेंट में नहीं गए, ये सोच के कि अगर टेंट में गए तो सो जाएंगे। तो अभी ना हम इतनी देर से हाथ ही सेक रहे थे, आग सेक रहे थे, और मुक्ति का फोन बंद हो गया था, वो चार्ज हो रहा था। डिनर करते हैं, दाल चावल वगैरह ही बना होगा, पता नहीं, जल्दी से खाते हैं। ठंड बहुत ज्यादा, बहुत ठंड है। खाना आ गया, रोटी और चावल आ गए, सब्जी खानी है। वो भाई लोग बिल्कुल वाइब्रेटर बन गए हैं, पूरा शरीर कांप रहा है, की सिर्फ दादी कांप रहे हैं। प्लेट किसको देंगे? आ जाओ भैया, ये हमारी कर्ता धरता आंचल शर्मा, ग्लव्स पहन के आई है भाई, चपाती निकाल। सो गाइस, फाइनली हम अपने टेंट में सोने के लिए घुस चुके हैं, और लाइट का इंतजाम हमने इस तरीके से किया है, टॉर्च यहाँ पे लगाई है, और हमारे पास यहाँ पे स्लीपिंग बैग्स, जिसकी अभी हमने सेटिंग करनी है। आंचल तू पहले सोए कभी स्लीपिंग बैग में? हाँ सोइए ट्रियोंड में। अच्छा, हाँ, सही, अच्छा, एक ही बार सोई, और वो एक ही ट्रैक मैंने करा हुआ है, जो इसके सामने मुझे इतना इजी लग रहा है ना, है ना, कंपैरेटिवली। सो गाइस, अब हम देखेंगे कि कल का ट्रैक कैसा होने वाला है, एंड इसी के साथ हम कर रहे हैं वीडियो को समाप्त। एंड गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। दैट्स इट गाइस, बाय, गुड नाइट, बाय बाय। और अगर आप ये सोचोगे आदित्य और ओंकार कहाँ है, वो है टेंट नंबर 2 में।